उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जल्द ही महिलाएं ई रिक्शा चलाती दिखेंगी। राज्य सरकार महिलाओं को पॉल्यूशन फ्री पब्लिक यूटिलिटी गाड़ियां चलाने के लिए बढ़ावा दे रही है। इसी योजना के तहत गोरखपुर प्रशासन महिलाओं को 50 ई रिक्शा बांटेगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और आर्थिक स्वावलंबन के क्षेत्र में महिलाओं को आगे करने के लिए शासन के द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को 50 पिंक हर प्रदेश के हर नगर निगम में ई ऑटोज दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में गोरखपुर नगर निगम को भी ई ऑटोज प्राप्त होंगे, जहां एक तरफ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, जहां पे एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, कन्वेंशनल व्हीकल की बजाय हम ई व्हीकल्स को यूज़ करेंगे, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को ये दिए जाएंगे, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बने, आर्थिक स्वावलंबन बने। अधिकारियों के मुताबिक महिलाओं को ई रिक्शा चलाने के लिए बढ़ावा देने का मकसद उन्हें सशक्त बनाना और वित्तीय सुरक्षा देना है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जल्द ही महिलाएं ई रिक्शा चलाती दिखेंगी। राज्य सरकार महिलाओं को पॉल्यूशन फ्री पब्लिक यूटिलिटी गाड़ियां चलाने के लिए बढ़ावा दे रही है। इसी योजना के तहत गोरखपुर प्रशासन महिलाओं को 50 ई रिक्शा बांटेगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और आर्थिक स्वावलंबन के क्षेत्र में महिलाओं को आगे करने के लिए शासन के द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को 50 पिंक हर प्रदेश के हर नगर निगम में ई ऑटोज दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में गोरखपुर नगर निगम को भी ई ऑटोज प्राप्त होंगे, जहां एक तरफ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, जहां पे एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, कन्वेंशनल व्हीकल की बजाय हम ई व्हीकल्स को यूज़ करेंगे, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को ये दिए जाएंगे, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बने, आर्थिक स्वावलंबन बने। अधिकारियों के मुताबिक महिलाओं को ई रिक्शा चलाने के लिए बढ़ावा देने का मकसद उन्हें सशक्त बनाना और वित्तीय सुरक्षा देना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।